और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। खबर कोलकाता से लेते हैं। कोलकाता की सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोका और हिरासत में लिया। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल सचिवालय तक मार्च कर रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल की ममता सरकार घोटालों की सरकार है। और इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में बीजेपी की मेगा रैली से पहले बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप ट्वीट किया है उन्होंने। झारग्राम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विप्लव कर्माकर अपनी सर्विस रिवॉल्वर वो भी सादे कपड़ों में लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी ने बीजेपी बंगाल के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाया और उन्हें कोलकाता जाने से रोका। धमकी दी कि न बनना जुलूस में शामिल न हो। तो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी नेता का बड़ा आरोप है एक पुलिस कर्मी पर कि हवा में बंदूक लहराते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया ताकि वो नबन्ना जुलूस का हिस्सा न बन सके। उन्हें जुलूस में हिस्सा न लेने के लिए डराया धमकाया गया। तो ये बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता की सड़कों पर लगातार सुबह से ही बवाल मचा हुआ है। सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार पर एक के बाद एक घोटालों का आरोप लगाने वाली बीजेपी सचिवालय तक, बंगाल सचिवालय जो है वहां तक मार्च निकालना चाह रही है। लेकिन आपको बता दें, बंगाल राज्य में जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, उन्हें गाड़ियों में भरा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। और इस बीच ये शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा आरोप लगा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य पुलिस पर उन्होंने कहा है कि एक पुलिस को बंदूक लहराते हुए देखा गया और जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्हें धमकाते हुए देखा गया, उन्हें डराया गया ताकि नबन्ना जुलूस में वो न शामिल हो, ऐसा उन्हें डराया और धमकाया गया। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है। पश्चिम बंगाल सरकार की घोटाला की जो नीति है, आपको बता दें, उसके खिलाफ बीजेपी का मार्च। कहना है कि ये कुछ नहीं, ये एक साजिश है उनको रोकने के लिए और शात्रगाछी से ताकि रैली ना हो, इसीलिए षड्यंत्र है। लेकिन फिलहाल के लिए जो देखा जा सकता है कि आप देखिए, चारों तरफ से जो रैलियां आने वाली है इस सड़क पे, इस सड़क को कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। ये सड़क में आप देख सकते हैं कि किसी का प्रवेश करना नामुमकिन है। और ये जो सड़क है जो सीधा स्टेट सेक्रेटरी नौबन्नो तक जाती है, इस सड़क पे आके इस जगह को तोड़ के जाना लगभग नामुमकिन है सबके लिए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट है पुलिस की तरफ से ताकि कोई भी घटना ना घटे। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि आप देखिए कितने सारे बैरिगेट से इधर पे, ये एक लेवल ऑफ बैरिगेटिंग है जिसको तीन चार तरीके से लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि बाहर में बैम्बू बैरिगेट से, उसके बाद ये आयरन गेट से, उसके बाद ये आयरन यू नो बैरिगेट से, और उसको सपोर्ट देने वाला ये सारे यू नो आयरन रॉड के जो एंकल टाइप सपोर्ट है, ये सारे हैं ताकि चारों तरफ से अगर प्रेशर आ भी जाए इस बैरिगेट्स के ऊपर, इसको तोड़ना नामुमकिन रहे। तमाल शाह की आप रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से बैरिगेटिंग करके बीजेपी के जो कार्यकर्ता उन्हें रोकने का पूरा प्रयास यहां पर किया गया। और ये तमाम विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया गया है, तस्वीरों में वही नजर आ रहे हैं। वैन में उन्हें बिठाया गया है। आपको बता दें, सुबह से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ बीजेपी मार्च करना चाह रही है बंगाल सचिवालय तक, दूसरी तरफ जो राज्य की पुलिस है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को रोक रही है जगह जगह। बंगाल में कई जगहों पर आपको बता दें पुलिस द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और सचिवालय तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है बनाम बीजेपी दोनों के बीच लगातार इस वक्त आपको बता दें जो तनाव है, टकरार है, वो बढ़ गया है। इस बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, आपको बता दें, कार्यकर्ता हैं, उन्हें सचिवालय तक मार्च करने के लिए नहीं अनुमति दी गई थी। इसके पहले भी जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उसने इजाजत नहीं दी थी इस मार्च की, बजाय उसके बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस मार्च के लिए निकले थे। हालांकि जगह जगह पर तमाम
जो कार्यकर्ता है उन्हें रोका गया है और हिरासत में लगातार लिया जा रहा है। और अगली खबर ले लेते हैं। पुलिस भर्ती घोटाले मामले में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है। दो शिक्षकों को सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में भी लिया है। कुल 33 जगहों पर ये रेड जो है वो चल रही है। साथ ही आपको बता दें हरियाणा, गुजरात, एनसीआर और यूपी भी इसमें शामिल है। भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई। आपको लगता है कि इस तरह के और भी केसेस निकलेंगे? देखिए, जो जो जहां भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ये इस देश में मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंश्योर किया जा रहा आगे इस तरह के मामले ना हो। देखिए, अगर करेगा कोई तो जेल की सलाखों में जाएगा। और चलिए दोबारा आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के उस खबर पर, जहां आपको बता दें कि बीजेपी लगातार सचिवालय तक मार्च निकालना चाह रही है, लेकिन जगह जगह पर आपको बता दें पुलिस रोक रही। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी तमाल के पास। के माध्यम से कितने सारे वाटर कैनन, बहुत ज्यादा पुलिस मुतायन है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस के वैन, रैपिड एक्शन फोर्स, फायर फाइटर्स ऑल्सो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी रखा गया है, ताकि इस जगह पे अगर कुछ भी घटना घटी तो इसको मुंह तोड़ जवाब पुलिस दे पाए। बीजेपी का कहना है कि ये उनका नैतिक, राजनैतिक और डेमोक्रेटिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक हाईली सिक्योर सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे रैलीज करना अलाउड नहीं है। पुलिस का कहना है कि वहां पर रैली करना अलाउ नहीं है, रैली की अनुमति नहीं। और इसके पहले भी आपको बता दें कि जो राज्य की पुलिस है, जब उससे रैली की इजाजत मांगी गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर ठुकरा दिया था। मार्च निकालने की अनुमति राज्य पुलिस ने बीजेपी को नहीं दी थी। हालांकि ये टकराव जो आपको देखने को मिल रहा है, लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार को घोटालों की सरकार कह रही है। देखते हैं, हमारे सहयोगी तमाल के साथ जुड़ते हैं। They've all been detained and they will now be taken to the police headquarters. Why? As I've been explaining since morning, if Howrah is here, the state secretariat which falls in Howrah, the Howrah state secretariat is connected with Kolkata via a couple of bridges, arterial crucial bridges. You have Howrah bridge, you have Hooghly bridge. Both the bridges have been completely cut off. So any political leader coming from Kolkata with the intent on mind to get onto Howrah and lead a protest rally, they will not be allowed. Shubhendu Adhikari was supposed to lead a rally from Shatragachi, which once again falls in Howrah, but for that he has to cross the Howrah bridge or Hooghly bridge, which is now nearly impossible. So as he was stopped by police and then the BJP workers who were there assembled over there, in a way engaged in a verbal spat, and thereafter Shubhendu Adhikari has been taken into detention. Of course, he has not been shown arrested as yet, but then he would be taken to police headquarters, and then they would be taken to police headquarters, and of course over there, they would be kept just to ensure that the BJP workers do not get to cross the Howrah bridge, and they do not get to lead any kind of a rally or participate in any kind of a protest rally. But this is one particular point, as I've been saying since morning, is extremely crucial and sensitive, because this is Howrah Maidan, where the Howrah people, which is a solid base for BJP, will be getting an opportunity to assemble. And if they assemble, this strength will have a good scope of 200 meters at least to march up till here, up till these barricades. And thereafter, they might have to face the challenges to be put by the administration. There are several levels of challenges being kept ready out here. You have water cannons, you have barricading, you have police forces, you have rapid action battalion, you have combat forces, all meant to ensure that people from the other side do not get to breach this barricade. Beta, aap kahan se ho? Where are you from? Kahan pe aapka ghar hai? Aapka ghar kahan pe? Rameshwar Mall hai. Kis taraf hai aapka rasta? Yahan se hi hai jaane ka. To aap jayenge kaise? Ghoom ke jana padega. Aapka ghar seedha is raste mein hai? सर, इसको अलाउ कर दीजिए ना, बच्चा है, स्टूडेंट है। आप इधर से आओ, प्लीज कम फ्रॉम दैट साइड, आप इधर से आओ। सो देयर आर सेवरल पीपल हु आर स्टक एंड स्पेशली चिल्ड्रन, यू नो। वन सेकंड सर, ये बच्चा को प्लीज अलाउ कर दीजिए, इनका घर इधर पे, प्लीज लेट हिम कम। शुरू नहीं दिखे, जस्ट मूव, प्लीज कम, यू गो। सो देयर आर चिल्ड्रन हु आर लिटरली स्टक आउट हियर। आप एक साइड लेके जाना, इस तरफ से आप साइड लेके चले जाना। सो इस तरफ से आओ बेटा, आप इस तरफ से आओ, कम फ्रॉम दिस साइड, आप इस तरफ से जाओ,
गो स्ट्रेट, एकदम साइड पकड़ के जाना, कहीं पे मत रुकना. सो देयर आर सेवरल चिल्ड्रन आल्सो हु आर स्टक एंड इट इज अ मैटर ऑफ इनकन्वीनियंस. सो पीपल हु आर लिटरली स्टक हियर, दे आर आल्सो बिट नर्वस नाउ बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट टू डू. सेवरल पीपल, सेवरल कम्यूटर्स हु हैव कम डाउन हियर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग अ सिचुएशन और एन अरेंजमेंट ऑफ दिस काइंड, दे आर लिटरली कॉट इन टू यू नो अ क्रॉस रोड ऑफ सिचुएशन दैट दे कैनॉट रियली हैंडल. यू नो इट इज अ मैटर ऑफ वरी. आई एम सॉरी इफ द विजुअल the picture of the child has gone on screen, but disclosing the identity of the child was not the intention. Just to ensure that he gets a safe passage was the intention completely. So we have seen several school children also getting stuck. Now this road, which is completely being cut off, it is an arterial road, and this road which also see BJP protest rally come from the other side, and they would be converging here, and they would be then trying to march towards that side. So yes, it seems like tension now brewing and building up. Shubhendu Adhikari has been detained, Lokesh Chatterjee has been detained, two more rallies over there. You have got Dilip Ghosh, who would be marching from College Street coming down to Howrah, making an attempt to cross Howrah Bridge, which he would obviously not be allowed, and that is the point A of fear, a point A of confrontation. The point B and the larger fear, the larger scope for confrontation could be this particular space, which is Howrah Maidan. And over here BJP workers are expected to come down and to be led by Sukanta Mujumdar, the state BJP president. Once again, they will not be allowed. So as you see, all these barricading have been done. All these, as you see, people are trying to take their arrangement. Security people are trying to take their arrangement. Such arrangements have been done just to ensure that. तो पश्चिम बंगाल की सड़क का ये हाल आपने देखा, किस तरीके से बीजेपी मार्च निकालना चाह रही है, सचिवालय तक पहुंचना चाह रही है, लेकिन राज्य की जो पुलिस, आपको बता दें, जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है और बीजेपी के मार्च को जगह जगह रोका जा रहा है.